असली गल है कि मैं वीरवार रात नू कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना ते धमकी भरिया मैसेज। मैं एक बारी नहीं दो बारी नहीं तीन बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही है इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरिया असी लिस्टां बहुत कढ़ लईआं ते तैनू हुण असी ठोकणा। पहला तो सच्ची गल आ कि महसूस बड़ा होया कि असी किधर नू तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी उह किधर नू लै गए क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चो गुजर रहा ते उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक MLA नू यह सुनेहा दे रहा भई तू तैयार हो जा तेनू ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा। मैं क्या जे सच बोलण दी इह सजा आ ना जे असी बेअदबियां दी कोई गल कीती आ जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स की रिव्यू करन दी गल कीती आ जे माइनिंग की गल कीती आ जे एक्साइज की गल कीती आ ते ओ कादे लई कीती आ ओ इस करके कीती आ भी पंजाब की इकोनमी ठीक हो जाए पंजाब का सोशल कल्चर ठीक हो जाए पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां दी धरती आ वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा क्योंकि साड़ी फिलोसफी वो आ। असी कम तो उहदे ते करना सी क्योंकि दो साल पहला तुहानूं सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी ते लेकिन जे उहदी किहड़िआ मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई सरकार ने जो करना वो कर लवे क्योंकि मैनू नहीं सी पता भी असली गल आ ये पॉलिटिक्स जिहड़ी वो इन्नी माड़ी हुंदी आ और पढ़ना भी आउंदा लिखना भी आउंदा ते समझना भी आउंदा। असलीयत इह आ भी इह लोकी पहलां तुहाडे ते एहसान करदे आ। मैं नहीं कहिंदा मैनू सरदार सुखबीर सिंह बादल लैके आए सी पॉलिटिक्स दे विच मैं नहीं आउंदा सी लेकिन इन्ना आसान तो नहीं ना भी हुण असीं पंजाब लुटदा होया देख लईए। मैं कदी किसी पोलीटिकल पार्टी नूं अज तक माड़ा नहीं कहा क्योंकि पोलीटिकल पार्टियां नहीं माड़ियां उहनूं चलाउण वाले लोक माड़े आ उहनूं चलाउण वाले लोकां ने धंधा बना लिया ते उस डेमोक्रेसी नूं बचाउण दी जरूरत है ते जे उस डेमोक्रेसी नूं ना बचावांगे ता फिर आने वाला समा जिहड़ा वो साडे लई बहुता चंगा नहीं। जे सूबे दे विच्चों हर दसवीं जां प्लस टू पास करके बच्चा बाहर जाण नूं तैयार आ वो कहिंदा सी डिग्री नहीं करनी सानूं आईलैट्स करा दिओ। हर बिजनेसमैन भज्जण नूं तैयार आ हर वो इंसान इत्थों जाण नूं तैयार आ जिहड़े असीं पंजाब दी गल करदे आ क्योंकि मैं तां हिंदुस्तान की 10 साल कप्तानी कर ली ते जदों तुहाडे हत्थ 'च झंडा हुंदा सी ना ते तुसी माण महसूस करदे सी भी असी हिंदुस्तान नू रिप्रजेंट करदे आ ते मैं कई बार वो अथलीट रोंदे भी देखे वो उन्हां दी फीलिंग आ वो अपने कंट्री दा जदों झंडा लैके अगे वधदे आ ते इह मेरे वर्गे नाल जे इदां दा इह क्योंकि हर बंदे दी बाह मरोड़दे आ हर बंदे नू इन्हां एजेंसियां दे थ्रू ये कहिंदे आ कि हाँ भी आ जा तेरी हुण बाह मरोड़ीए। कैप्टन साहब आपां पुठे राह पै गए हाँ आपां ये बाह मरोड़ वाली राजनीति छड्डीए समा किसी का नहीं बचता हुंदा समा मुगलों का नहीं बचिया मंगोलियन का नहीं बचिया गोरियां का नहीं बचिया इत्थे बहुत आए आ इत्थे बहुतिया ने आना जिहड़ी किते जिहड़ा सूरज चढ़दा हुंदा ना वह ढहलदा भी हुंदा और आ जिहड़ी आ जिन्नियां एजेंसीज हैगियां क्योंकि सरकारां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ते अफसर वो आवे जिहड़ा साफ सुथरा होवे जिहदियां लत्तां भार झलदियां होण
वह मेरे वाल आ जाए जदों मर्जी आ जाए जा मैनू कॉल कर ले मैं चले जाता उत्थे। ये धमकियां क्योंकि असली गल है कि पोलीटल सिस्टम च मैं तो यह देख रहा भी पार्टियां दियां पार्टियां रल जांदियां आपस में ब्यूरोक्रैट्स रल जाते जिदन ब्यूरोक्रैट्स अपनी जॉब के आता ना जे कुते आई पी एस भर्ती होके आई पी एस भर्ती होके पी पी एस पी सी एस भर्ती होके तो उन्होंने सहु खिलाई जाती है भी बिना किसी प्रैशर तो बिना किसी क्रीड एंड कास्ट तो तू कानून के मुताबिक काम करना। इंस्टीट्यूशनज बर्बाद कर दते इन लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनज बर्बाद कर दते मैं कहना पोलीटिकल बंदा तो आपां नूं सारयां नूं गल समझ आ गई लेकिन ब्यूरोक्रैट तो एक पोस्टिंग करके इन्हां दीआं कठपुतलियां बन गई। मैं नहीं कहिंदा इमानदार है नहीं विच हैगे आ लेकिन वरतदे उहो जिहा नूं आ जिहड़े कि इन्हां दे विच भी ब्लैक शीप से आ। सुखी रंधावे ने कल स्टेटमेंट दित्ती आ चन्नी दे भी अज जिहड़े चरणजीत सिंह चन्नी आ उन्हां दे अगेंस्ट भी अज खबर प्लांट कराई गई। जे यही गल्लां असी कदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाउण तुर पए सी असी कदों कहा सी लेकिन जे ये सच की सज़ा देनी चाहते हैं तो फिर जरूर जिथे मर्जी जदों मर्जी जिथे मर्जी आ जाण। इन्हां लोकां ने क्योंकि मैं तो सिर्फ एको ही गल करदा हुन्ना भी आपां कम कर लईए आपां इंस्टीट्यूशनज रहण दईए लेकिन ना और जिहड़ा विजिलेंस का डी जी पी आ परतिंदर चहल क्योंकि हुण तुसीं मैनूं ये कहोगे भी हाँ भी डीफैक्टो उही आ उही ही बेसिकली ये ताणा बाणा मुड़दा और मैनू सारा कुछ मैनू गल समझ भी हैगी आ मेरा दिमाग भी चलदा ते मैनू लिखणा भी आउंदा मैनू पढ़ना भी आउंदा ते मेरे च गट्स भी हैगे आ कि पंजाब नूं किद्दां डिफेंड करना। मैं तो असली गल आ तुहाडे नाल पिछली वारी जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी मैं तुहानूं कहा सी भी आपां पंजां सत्तां दसां दिनां तां मिलांगे पर मिलना तो किसी होर टॉपिक ते सी असली गल आ मिलना किसी होर टॉपिक ते सी पर ये तो विच टॉपिक ही होर लै आंदा वह भी मैं तुहानूं किसी दिन क्योंकि आपां दो चार दिन बाद मिलदे रहा करांगे क्योंकि लड़ाई असूलां दी आ लड़ाई उन्हां कदरां कीमतां दी लड़ाई पंजाब लई आ। जे नहीं लड़ांगे तो फिर जे तो तुसी भी मैनू दस दिओ भी जे तो यह सिस्टम बहुत चंगा चलता फिर तो मैं भी तुहाडे कोलों माफ़ी मंग लूँगा कि भाई मेरे कोलों गलती हो गई लेकिन जे क्योंकि डेमोक्रेसी के जिहड़े चारे थम है जे चारे पिलर आ पत्रकार भी विच बहुत चंगे हैगे आ हर फील्ड दे विच बहुत चंगे बंदे आ लेकिन असली गल है हौली 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 इन्होंने डिमोलिश करन दी कसर कोई नहीं छड्डी। किन्ने पैसे चाहिए आ बंदे नूं जिंदगी जीण लई मैनू लगता सानू यह नहीं पता लग सकिया अज तक भी सानू जिंदगी जीण लई पैसे किन्ने चाहिए आ। आह कोविड वर्गी महामारी दे विच इहो जिहे बंदे चले गए जिन्हां बारे कदी सोचिया नहीं सीगा जिन्हां बारे महसूस करदे आ लेकिन महसूस बड़ा होया मैनू मैं एक दो दिन तो सच्ची गल है इन्ना अपसैट रहा मैं कहा यार आ दिन मेरे वर्गे नू देखने पैणगे आ दिन मेरे वर्गे बंदे नू क्योंकि कदी प्रोटोकॉल तो बाहर नहीं गया कदी कोशिश की आ भी हाँ भी सिस्टम दे विच रह के जिन्ना क भी सुधार कर सकते क्योंकि मैं ये नहीं कहिंदा कि असी सारयां नू सुधार कर सकते हैं। लैट अस मेक ए टीम लैट अस मेक ए पंजाब मूविंग ये लोगों की कचहरी आ लोगों नू बदलना पऊगा सोच बदलनी पऊगी पिंडां दे पिंड इन्हां लोकां ने धड़ियां च वंड के रख दिते ते आप शाम नूं कट्ठे ही आ आप जदों किते भी सिस्टम च उलझण आउंदी आ जदों तीजा बंदा को कहण दी जुरत करदा उदों फिर उहनूं सारे जणे कट्ठे हो के पैंदे आ। नवजोत सिंह सिद्धू जे दो साल पहलां जे इन्हां कोल उहदे अगेंस्ट इन्ना मटीरियल है तां फिर दो साल भी क्यों रख्या। विजिलेंस दा एक एक्सीजन दे उत्ते 1200 करोड़ का परचा दर्ज करता तुसी सारे सियाने हो एक विजिलेंस ऑफिसर जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा वो एक एक्सीजन ते 1200 करोड़ का परचा दर्ज करता इहदा मतलब उहदे अगे पिछे कोई है नहीं गा फिर इहो जिहा सिस्टम तो आपां लैणा की आ
इरीगेशन की फाइल पिछले 4 सालों सवा 4 सालों वो कित्थे तुरी फिरदी आ, मैनू गल समझ हैगी आ, क्योंकि उहदे विच वड्डियां मच्छियां कदी उहनू सज्जे नू कर लैंदे आ, कदी खब्बे नू कर लैंदे आ, कदी किसे पासे नू कर लैंदे आ, कदी किसे पासे नू कर लैंदे आ। इस करके कप्तान साहब, मैं भी हिंदुस्तान का कैप्टन रहा हाँ हॉकी का, लेकिन मैं इज्जत, क्योंकि बेसिक मेरी प्रॉब्लम कित्थे आ कि मैं कभी प्रोटोकॉल नहीं तोड़दा, मैं कभी डिसरिस्पैक्ट किसी नू शो नहीं करता। मैनू ये आस सी सच्ची गल आ 2017 च भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लास्ट इनिंग आ, तो ये पंजाब लई कुछ ना कुछ चंगा करके जाणगे, पर अफसोस है असी पुठे राह पा लिया। किते किते बैठ के कल्ले, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नू कहना चाहुंदा, किते बैठ के कल्ले कमरे च शीशे च बैठ के सोचो तो सही भी मैं कर की रहा। यह तो नहीं है कितने आले दुआले जिहड़ी कोटरी इकट्ठी हुई आ वह तुहानू किसी तरह की मिसगाइड कर रही है, पंजाब लई कर की रहे हो। मैनू तो यह भी पता भी कौन कौन कित्थे कित्थे मिलिया, मैं तो चुप सी, मैं कहा छड्डो, क्योंकि आपां इन्हां कम्मां चों की लैणा, अपना रोल प्ले करिए। क्योंकि मैं बींग ए खिडारी, मैं हमेशा यह कहना हुन्ना कि जदों टीम चंगी हो जूगी तो हौली हौली उहदे रिजल्ट चंगे होणगे, पर अपनी जिम्मेवारी निभाओ। लेकिन जदों मेरे वर्गे बंदे नूं जे धमकी दिंदे आ तां फिर मेरा ख्याल है भी लड़न तो इलावा साढ़े को चारा कोई नहीं है। और उस लड़ाई दे विच ए जिथे मर्जी चले जाण, जिद्दां मर्जी कर लैण, एंड आई एम वेरी ओपन।